इतना जुल्म किया, ऐसा लग रहा है कि पहली बार रोटी देखी है। सही में कसम खा के अभी ये पूरी टीम खा रही है हमारी सीखे, और सीखे खा के निकलेंगे हम सीखे खाने मकाई में, क्योंकि मकाई में सीखे खाना जरूरी है, क्योंकि कल हमने सुबह जल्दी निकले और सीखे लेडी खुलती हैं, वो शाम को मिलती है। यहाँ पे सारा भाई कहते हैं हमारे कि यार सदाम भाई आपके सारे फोटो स्पेड पे आई हैं, सर्दियों में, गर्मियों में, पतझड़ में, जब भी देखो मेरे फोटो आए ना। अभी मेरे भाई दोस्तों यारों, अभी ये मेरा एपिसोड 3 का व्लॉग स्टार्ट होने वाला है, और ये व्लॉग हमारा रहेगा पीर की गली टू कश्मीर। अगर व्लॉग की कुछ चीज़ें तो व्लॉग बनाएंगे, वरना सीधा कश्मीर निकलेंगे। बाकी अब तीसरा व्लॉग स्टार्ट करना है हमने, और देखेंगे क्या होता है। वो देखो भाई ड्रोन, वहाँ पे ड्रोन थोड़ा उड़ा लिया है, ड्रोन शॉट्स ले लिए, अब निकल रहे हैं सीधा यार आगे, क्योंकि काफ़ी लोग मिल रहे हैं, कभी कोई मिल रहा है कभी कोई मिल रहा है, तो इसलिए निकल रहे हैं। तो अभी निकल के सीधा जाएंगे अपने कश्मीर। तो अभी हम निकल रहे हैं, ठीक है, सारी गैंग निकल रही है, पूरी मंडीर इकट्ठी हो गई है, पंजाबी मंडीर, गुजर मंडीर यार। तो अभी हम आए कश्मीर, वहाँ से निकले पुलवामा वगैरह से निकल के, अब हाईवे चढ़ते हाईवे से हम आए अंदर बदामी बाग वाली साइड, क्योंकि बदामी बाग से एक फ्रेंड को हमें ड्रॉप करना था, वो यहाँ से अपनी गाड़ी पिक करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पुराने रोड, ये पुराने रास्ते हैं, ये बिल्कुल पुराना रोड है जो आप देख रहे हो ना। तो ये देखो, आपको याद आया कि कुछ जब कश्मीर आते थे ये पुराने रास्ते दिखते थे, और यहाँ पर ट्रैफिक आज भी वैसा है, बिल्कुल हाईवे बन चुका है नो डाउट, बट ट्रैफिक आज भी पुराने रास्ते पर वैसे का वैसा ही है। पता नहीं ये क्यों है, ये मुझे नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और अभी हम सीधा डल पे निकलेंगे, डल यहाँ से सुनवार, सुनवार से आगे कृष्णा ढाबा, कृष्णा ढाबा सुनवार में ही है, फिर वहाँ से सीधा डल की तरफ निकलेंगे, और डल की तरफ जाएंगे मकाई पॉइंट, मकाई पॉइंट जाके मेरे फ्रेंड है उनसे मिलेंगे, उनसे मिल के सीखे फीखे खा के रूम में जाकर चेंज करके, और फिर रात को हम खाएंगे आइसक्रीम। तो भाई ये आगे डल लेक आपकी, जो आपकी सबकी फेवरेट, यहाँ आने के लिए दुनिया तरसती है कि भाई कश्मीर जाना है तो डल पे ज़रूर जाना है। और ये डल गेट है, मैं दिखाता हूँ आपको स्टार्टिंग से ही व्यू क्या भाई। आज पानी भी ज़्यादा है, क्योंकि पानी का चढ़ाव देखो आप बहुत ज़्यादा है, और ये देख लो भाई। बट एक चीज़ में मुझे अभी स्मेल आ रही है डल से ना, ये स्मेल ही होनी चाहिए, स्मेल क्योंकि गंदी चीज़ है। सलामुअलैकुम, ये पेड़ है वो जहाँ पे मेरी फोटो आती है सर, यहाँ पे सारा भाई कहते हैं हमारे कि यार सदाम भाई आपके सारे फोटो इस पेड़ पे आई हैं, सर्दियों में, गर्मियों में, पतझड़ में, जब भी देखो मेरे फोटो आए ना। तो अभी हम डल पहुँच गए, डल पे फिशिंग कर रहे हैं लोग, बड़े इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, कश्मीर की लाइफ डल पे ही है यार। डल पे कुछ भी बीमार होगा बंदा, कुछ भी होगा, वो डल पे आके प्रॉपर अपने गम, अपने जो भी अपने टेंशन है वो सारी डल को दे जाएगा, और डल वो टेंशन भी ले लेगी और इंजॉय करता है बंदा कश्मीर। कैसा फील हो रहा है भाई यार, आपको आप सबको कैसा फील हो रहा है? काफी अच्छा फील हो रहा है। सारम कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, मजा आ रहा है ना सबको, दोनों भाइयों को। तो ये मेरी टीम है, मेरे भाई हैं, चिल कर रहे हैं मेरे साथ, वो देखो फिशिंग। अभी हम जाएंगे सीधा मकाई, बाकी को जो अपने बंदे हैं बाइक वाले उनको भी मकाई बुलाएंगे, आमिर को मकाई बुला के, फिर जाके देखते हैं अगर रूम उसने कहाँ लिया उसके बंदे ने, और जहाँ पे रूम का वहाँ स्टे करेंगे, पहले अपने चेंज वेंज कपड़े, उसके बाद मकाई जाके सीखे खाएंगे। अभी हम रुके थे डल लेक पे, मकाई पॉइंट, मकाई पॉइंट पे हमें सीखे वीखे खानी थी, बट बेसिकली सीन ये हो गया कि अपने जो बंदे हैं वो कहते हैं रूम बुक करवाए हुए, और वो रूम आगे है कहीं का करवाया, वही वहीं जा रहे हैं, अब वहाँ से चेंज कपड़े चेंज करेंगे, गाड़ी पार्क करेंगे, और फिर आएंगे सीखे खाने मकाई में, क्योंकि मकाई में सीखे खाना ज़रूरी है, क्योंकि कल हमने सुबह जल्दी निकला और सीखे लेट ही खुलती हैं, वो शाम को मिलती है, तो जल्दी में कुछ कुछ नहीं मिल पाएगा, ये टेस्ट नहीं कर पाएंगे हम यहाँ की सीखे, तो इसलिए हमें पहले रूम में जाना है, उसके बाद मकाई जाके सीखे खानी है, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्या सीन बनता है, अगले क्या पैराग्राफ रहता है हमारा। बाकी अब यहीं तक है, आगे दिखाते हैं आपको डल पे कितनी रश है। मान लिया कि रोड बनाने हैं, रोड गवर्नमेंट बना रही है, अच्छे करिए हमारे लिए बना रही है, हम गवर्नमेंट को बुरा नहीं कह रहे हैं ना, किसी को कह रहे हैं, बट यार अगर रोड बनाया है तो ट्रैफिक के लिए तो कोई डिवाइड डिवाइडर रखो, एक रोड पे सारी गाड़ियाँ छोड़ दी, ट्रैफिक पुलिस वाला कोई दिखा नहीं मुझे, गाड़ियाँ जा रही है, कोई आ रही है, कोई सीखे खा रहा है, कोई मकाई में लेट रहा है, कोई पेड़ नीचे बैठा हुआ, कोई आम पापड़ खा रहा है, कुछ कुछ खा रहा है, खाओ भाई साइड करके खाओ, टूरिस्ट को तकलीफ हो रही है, हमें तकलीफ हो रही है, हमें अभी निकल रहा सोनमर्ग और फंस गया हम इधर ही, अभी आप लोगों की वजह से हमें यार यहाँ स्टे करना पड़ा ना। ट्रक अभी निकालेंगे और ट्रक लेके हम सीधा निकलेंगे होटल में, टायर चेक कर लेते हैं इसके, किसी हवा हवा कम तो नहीं है, कल फुल सिक्योरिटी के साथ आए थे हम, देखो फुल सिक्योरिटी सिस्टम, फुल मज़े में, फुल पावर, सब चीज़ हो रही है, कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी सेफली हमारी, हम निकलेंगे। हमारे रहने का सारा इंतज़ाम हमदर्द पट में कुछ हो गया, कुछ ऐसा रिजॉर्ट है भाई, नाम पता नहीं है,
किसी ने बोला है वहीं जा रहे हैं। अब वहाँ जाके जो चेंज तो मुझे करना नहीं है क्योंकि मैं अभी भी स्मार्ट ही लग रहा हूँ ऐसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखा तारीफ हो रही है। तो जाते हैं देखते हैं क्या होता है। पार्किंग सबसे बड़ा मुझे इशू है पार्किंग का, क्योंकि मेरा ट्रक बड़ा है, हैवी गाड़ी है, हैवी मशीन है, इसमें सामान ही मेरा कम से कम भी नाना करते हैं, ड्रोन गोप्रो फोन्स 3 लाख का सामान ही होगा मेरा अपना, जो कपड़े छोड़ के। तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन अपनी गाड़ी की रहती है हमेशा। तो क्योंकि ट्रक यहाँ पे किसी के पास मैंने देखा भी नहीं, अभी होंगे पर मैंने देखा नहीं है। तो अभी पहले हम चलते हैं अपने होटल, पार्किंग करते हैं, सारा सिस्टम देखते हैं, उसके बाद जाएंगे मकाई, क्योंकि मकाई की सीखे मैं ना कहूँ ऐसा हो सकता है क्यों तारिक। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं कश्मीर और अभी गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ से सामने हमें ले वो दिख रही है, पीक दिख रही है, महादेव पीक, कोलाए, हरमुख, ददाकोटी, 4 पीक है यहाँ पे, महादेव और क्या कहते हैं महादेव, कोलाए, हरमुख और ददाकोटी। ये 4 पीक मेरे होटल के मेरे रूम से दिख रही है, वो सामने देख रहे हो, महादेव, हरमुख, ददाकोटी, कोलाए, ये पीक बहुत ही मशहूर पीक है और ये मेरे रूम से सब दिख रही है। तो इसलिए गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर लिया अपना ट्रक और उसके बाद हम अब यहाँ स्टे करेंगे और स्टे करने के बाद देखते हैं, पीक्स तो बहुत ही प्यारी है भाई। तो भाई हमारे होटल के बाहर निकलते ही ये रेस्टोरेंट है, कैफ़े है और बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है, बना रहा है, बहुत सी लाइटिंग वाइटिंग की है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम कल सुबह कुछ खाएंगे क्योंकि अभी हमने सीखे खाने जाना है और यहाँ पे हम कल करेंगे कुछ। अभी मेरी टीम बाहर नहीं आ रही है, सारे टीम अंदर, वो सामने रूम दिखे लाइट ऑन हुई थे वहाँ बैठे हुए, अभी बाहर ही निकल रहे हैं हम लोग, तो मुझे सिस्टम में जाना पड़ेगा और उनको लाना पड़ेगा किसी के। अभी हमारी टीम पूरी खा रही है सीखे, ये देखो मासूम चेहरे इनके, इतना जुल्म किया ऐसा लग रहा है कि पहली बार रोटी देखी है सही में कसम। अभी ये पूरी टीम खा रही है हमारी सीखे और ये खा के निकलेंगे हम आगे होटल में रूम में, ये खाना यहीं खा लेंगे और उसके बाद रूम में चले जाके निकलेंगे और वहाँ जाके हम सोएंगे। सब सो जाओगे क्या, कुछ काम करोगे? सो जाना जाए। तो भाई मकाई गए थे, सीखे खाई, वो भी आपको बताया हमने। अब हमने खाई सॉफ्टी, कश्मीर की मशहूर सॉफ्टी। अब ये खा के थोड़े ना वो सीखे भी खाएगी, थोड़ी वो गर्मी से होगी थी। अब ये खा के हमें देसी भाषा में बोलते हैं ठंड पैगी कालजे में, वो हिसाब है। तो अभी हम निकलते हैं सीधा अपने रूम में क्योंकि 10:30 हो गए हैं, रूम में जाके वहाँ जाके थोड़ा रूम सफाई करें क्योंकि कपड़े बिखरे हुए हैं। और दूसरी गाड़ी भी हमारे साथ है, उसमें हम सामान डालेंगे अपना, सामान डाल के क्योंकि डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा बंदे होकर सामान दोनों गाड़ी में रखेंगे तो अच्छे मजे जाएंगे कूल होकर। और पहले दूसरी बार मैं आपको डल दिखाएंगे, आप डल, ये डल की रोड है देख रहे हो, बिल्कुल लाइटें वाइटें चल रही है, रात को ये खूबसूरत लगती है, दिन को ये ट्रैफिक होता है और बिल्कुल मज़ेदार नहीं होती। और अभी हम जाएंगे रूम में, रूम में जाके करेंगे रेस्ट, रेस्ट करके आराम से सोएंगे। तो सुबह नहा धो के अच्छे फ्रेश होके सीधा निकलेंगे अपने नए रास्ते, नए एपिसोड। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, बेल आइकन, सब कुछ यार, अगर किसी को कुछ बुरी चीज़ लगी है तो कमेंट करके बताना, वो हम ठीक करेंगे। तो मेरे सदाम दामा के चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, सब कुछ, और मेरे इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर दो। बाकी जो आपको चाहिए वो कमेंट करो, हम करेंगे सारा। बाकी अभी नया ट्रिप आने वाले हैं, वो भी आपको बताएंगे कब आने कब नहीं, पहले ये ट्रिप पूरा करेंगे। लद्दाख का बहुत अच्छा ट्रिप रहने वाला है। बाकी अपना ख्याल रखो, सारे खाओ पियो ऐश करो।